Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. गोलियां चलाई थी, गोलियां मेरे बच्चे के छर्रे लगे सारे दिमाग में, पैरों में, हाथों में. छोटा सा बच्चा वहीं पे चला दी बच्चों के सामने गोलियां इन्होंने. आने अरे एक जावेद है, एक ये जमाल है. अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ कुछ पर? ये सट्टा जुआ करवाते हैं ये. अच्छा, सट्टे जुए के चक्कर में ये आपस में लड़ते हैं ये. ये काम है इनका. कुछ बता रहे थे कि कमेटी का कोई चक्कर है इसमें? कमेटी का कोई चक्कर नहीं है. हाँ. ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, किसी का मकान भी ले लेते हैं जोर जबरदस्ती से, गरीब समझ के उसको नाजायज दबा के उसका मकान भी ले लेते हैं, बनवा भी लेते हैं, जुआ सट्टा भी करवाते हैं, लाख दो लाख उसमें से भी खाते हैं. और इस चक्कर में इनका झगड़ा होता है. अच्छा. वो कहता है हमारी चले, वो कहता है हमारी चले. अच्छा. इस चक्कर में इनका झगड़ा होता है. और गोलियां चलती है अनाधुन, अब नहीं चली है, इससे पहले भी चली है तो कुछ नहीं हुआ. अब फिर चली है, छोटे छोटे बच्चों के लगी है गोलिए, पुलिस कुछ भी नहीं करती, पैसा खाती है और छोड़ देती है इनको. लॉकडाउन के अंदर इतनी गोलियां चली है, कुछ पूछो नहीं. पुलिस ने पैसा खाया, इनको सबको छोड़ दिया. अपना आपको बदमाश कहते हैं कि हम बदमाश हैं, इस इलाके का और कोई भी नहीं है. अच्छा, कितनी गोलियां चली होंगी लगभग और कितने लोग हैं जो घायल हैं? 60 गोलियां चली हैं. अच्छा, जिसमें से 7-8 जने घायल हो चुके हैं, अंदर है मेरा बच्चा है छोटा, वो घायल हो चुका है. और 50-60 गोलियां चली हैं, सारी इन्होंने चलाई हैं, जिसमें का बता रहे हैं एक मर भी गया इसमें से और अंदर अभी वो हुए हैं. इसका कुछ करा जाए, नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दो सबको मरने के लिए. फिर सब ऐसे ही अनाधुन, सब जितने भी बच्चे भी मारे जाए, बूढ़े भी मारे जाए, सब मारे जाए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए आप मरने के लिए.